नमस्ते, मैं हूँ स्मिता और बीए फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को जो बीए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ चुके हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, कॉलेज की तरफ से। तो मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो है कंपल्सरी, ठीक है। जो कंपल्सरी पेपर का जो फर्स्ट पेपर है इसका नाम है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है। ये आपकी बीएड सेकेंड ईयर के जो भी सिलेबस है, जितने भी जो भी आपकी वो कोर्स होगा, कोर्स के अंतर्गत जो पहला पेपर है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हमारी रेगुलर क्लास लगेगी, वीक वाइज भी लग सकती है, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी टाइम टेबल होगा, आप तक पहुंचता रहेगा अपडेट होकर। तो इसके अंतर्गत ज्ञान तथा पाठ्यक्रम को समझने के लिए, जो पूरी की पूरी किताब को देखने के लिए हम सबसे पहले किस पर फोकस करते हैं, हम सबसे पहले फोकस करते हैं पाठ्यक्रम पर, सिलेबस पर, ठीक है। तो सिलेबस है जो भी ज्ञान तथा पाठ्यक्रम का, उसके अंदर कितनी यूनिट है, इसके अंदर 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। अब सबसे पहले आपको कोई भी चीजें, किसी भी चीज को अंतर्गत समझने के लिए हमें उसका बेसिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें उसको बेसिक चीजें पता होगी कि अच्छा इसके अंतर्गत ये चीजें हो सकती है, तभी हमें उस चीज को हम डीपली पढ़ने में मजा आएगा और हमें काफी हद तक वो चीजें आसानी से समझ में भी आ सकती है। तो ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के सिलेबस के अंतर्गत 5 यूनिट है, जिसमें से मैं आपको 5 यूनिट के नाम बता देती हूँ, फिर अपन यूनिट वाइज चीजें पढ़ेगी कौन सी यूनिट में कौन सी चीज आएगी। तो पहली जो यूनिट है उसका नाम है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा ज्ञान और संज्ञान, यानी कि जानना। पहली यूनिट का क्या नाम है? ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान। संज्ञान यानी कि जानना, ज्ञान मीमांसा यानी कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, ज्ञान की विशेषता क्या होती है, ज्ञान किस किस रूप में विद्यमान है, ज्ञान मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। ज्ञान को जानने से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, ज्ञान की तुलना हम किन किन अलग विषय वस्तुओं के साथ में कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम पहली यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको लिख लेना, वैसे मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। मैं आपको बड़ा बड़ा इसलिए दिखा रही ताकि आपको चीजें ब्लैक बोर्ड पर आसानी से देख सके, मेरे राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, अब कुछ भी समझ नहीं आता तो पूछ लेना, ठीक है, मैं उसको मिटा दी। पहली यूनिट होगी, दूसरी यूनिट है हमारा ज्ञान के स्वरूप और विद्यालयों में इनका संगठन, दूसरी यूनिट है ज्ञान के स्वरूप और विद्यालयों में इसका संगठन, ज्ञान के स्वरूप। अब यहाँ पर ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी विषय वस्तु आएगी, ज्ञान को किस किस से जोड़ा गया है, वो सारी की सारी चीजें इस यूनिट के अंतर्गत आएगी। ज्ञान विद्यालय में कैसे कार्य करता है, विद्यालय में छात्रों पर ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं पढ़नी चाहिए, इसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं है, ज्ञान का अर्थ हो रहा है अगर अपने सर्वांगीण विकास पर, ठीक है, ज्ञान का अर्थ हुआ सर्वांगीण विकास पर जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को और अधिक निखारता है, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट है हमारे शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा, शैक्षिक विचारक और
संबंधित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा से तो आपको समझ में आ गया कि जो जिसका सिद्धांत किसने दिया था मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने। इसके अलावा शैक्षिक विचारक, तो शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से विचारक हुए थे, प्लेटो, अरस्तु, है ना, पाउलो, और ये सारे के सारे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ये सारी की सारी चीजें, इन विचारकों ने जो जो भी सिद्धांत दिए हैं शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, वो सारी की सारी चीजें हम थर्ड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे, और बाल केंद्रित शिक्षा भी थर्ड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा रही हूं मैं। चौथा है हमारा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम बनाने का मेन मोटिव क्या है, पाठ्यक्रम क्यों ज्यादा जरूरी है विद्यालय के अंतर्गत, है ना, क्योंकि पाठ्यक्रम क्यों ज्यादा जरूरी है हमको भी पता है कि एक बच्चा जो निश्चित कक्षा के अंतर्गत पढ़ता है, क्योंकि एक विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारी कक्षाएं होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टेंथ, ट्वेल्थ, है ना, तो सभी कक्षाओं के अंतर्गत अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। बच्चे अपने कक्षा के स्तर के अनुसार ही उस विषय वस्तु को पढ़े, इसीलिए पाठ्यक्रम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए और शिक्षक के लिए बहुत ही आसान हो जाए कि मुझे इस कक्षा के अंतर्गत इस कक्षा के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम बनाना है या बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, ये होगी हमारी चौथी यूनिट, और हमारे लास्ट यूनिट है पाठ्यक्रम विकास और इसका क्रियान्वयन। पाठ्यक्रम विकास और इसका क्रियान्वयन, ठीक है, पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम का विकास किस तरीके से हो सकता है, हम पाठ्यक्रम का विकास किस तरीके से कर सकते हैं, पाठ्यक्रम हमारे दैनिक जीवन में और एक छात्र के जीवन में कैसे उपयोगी रह सकता है, पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए हमें कौन कौन से क्रियाकलाप करने चाहिए, हमें कौन कौन से उपायों को अपनाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपके पांचवी यूनिट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, मैंने आपको पांचवी यूनिट लिखा दी है, हालांकि इसकी डिटेल मैंने आपको लिखा नहीं, अभी बाकी है, लेकिन आपको एक बार पता होनी चाहिए कि ज्ञान का पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो यूनिट है उन यूनिट के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली यूनिट थी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान, ये मैं अभी कराऊंगी, ठीक है, शायद अभी अगर नहीं हो पाया तो हम आगे से रिलेटेड डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जब हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य मुख्य बातें, कौन कौन से मुख्य बिंदु उपलब्ध है उसके अंदर, कौन से मुख्य बिंदु आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके विषय वस्तु के अंतर्गत है, जो भी आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, फिर जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है, वो सारी की सारी चीजें हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कम्प्लीट करेंगे। मैं आपको इसके अंतर्गत जो डिटेल है वो भी मैं आपको लिखा दूंगी, आपका सिलेबस जो भी है मैं हिंदी में आपको लिखा दूंगी, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और मुझको भी अच्छे से समझ में आए, मतलब हम दोनों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, लेकिन यूनिट फर्स्ट मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी बड़ी है, तो वो शायद पूरी की पूरी हमारी चली जाएगी फर्स्ट के अंतर्गत ही, इसलिए मैं आपको यूनिट फर्स्ट से हम कल स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही यूनिट फर्स्ट का सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट होते ही वो कल हो जाएगा, और हम उससे संबंधित जो भी हमने बिंदु लिखे हैं, जो भी हमने विषय वस्तु उसके अंतर्गत लिखी है, वो सारी की सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास से। तो जैसे जैसे हम हमारा टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, वैसे वैसे हम नई यूनिट लेंगे, और उस यूनिट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर आप ये चाहते हो कि मैं सारा का सारा सिलेबस एक साथ में लिखा दूं, यानी कि एक साथ में कैसे, जैसे कि पहले पहली यूनिट पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हमने डिटेल पढ़ ली कि हम क्या क्या चीजें मैं
दिखा दो, तो मैं आपको एक साथ में भी सारा का सारा सिलेबस दिखा दूंगी, ताकि आपको भी आसानी रहे कि इसके अंतर्गत हमें ये चीजें पढ़नी है। आप जो भी चाहते हो या तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करके बोल देना, ग्रुप में भी कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे अपने जो भी वीडियो का कमेंट बॉक्स है ना उसके अंतर्गत मुझे जरूर बताना कि आपको सारा सिलेबस एक साथ में पढ़ना है या फिर टॉपिक वाइज पढ़ना पसंद करोगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी इतनी ही, अगली क्लास में हम पढ़ते हैं, तब तक नमस्ते।